धरती, नदियाँ, तालाब, ये प्यारे सबके सब हैं दोस्त हमारे। इन सबको संरक्षित रखना, सबको है सुरक्षित रखना, यही है अब कर्तव्य हमारा, पेड़ बचाए जीवन सारा। नमस्कार, न्यूज़ 111 में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ पूजा वर्मा। आज यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगातार और बड़े स्तरों पर पेड़ और जंगलों में होने वाली भारी कटाई की वजह से पर्यावरण को बेहद नुकसान पहुंच रहा है। इससे जलवायु परिवर्तन में बहुत तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। दुनिया के अधिकांश शहर जाने वाले अब तेज गर्मी की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में हमारी कोशिश ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने की होनी चाहिए, जिससे हम इस पृथ्वी को शीतलता प्रदान कर सके। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 14 अकेले भारत के हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में दूषित हवा के कारण करीब 12 लाख भारतीयों की असामयिक मौत हो गई थी। दिल्ली में हर साल विषैली धुंध जानलेवा साबित होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे निपटा नहीं जा सकता। चीन, मैक्सिको समेत कई देशों ने प्रदूषण से जंग में कई कदम उठाए हैं, जो सफल रहे हैं। प्रकृति के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हवा, पानी, भोजन, धूप, सब कुछ हमें प्रकृति से मिलता है। शायद इसलिए प्रकृति को कुछ लोग ईश्वर के रूप में देखते हैं। इसलिए कोई दो राय नहीं है कि पर्यावरण और प्रकृति का हश्र से सामाजिक विकृतियां जन्म लेती हैं। इसलिए हम सभी को जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाने चाहिए। देश के दिग्गज हस्तियां और नेता सभी पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोगों को यही संदेश दे रहे हैं। वहीं ईद के मौके पर नवाज अदा करने के बाद मुसलमान भाइयों ने वृक्षारोपण कर आम लोगों से पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ के अपील की। प्रकृति ने मनुष्य को हर चीज दी है, लेकिन मनुष्य ने प्रकृति को हमेशा नुकसान पहुंचाया है। दुख इस बात का है कि जिस तरह से पर्यावरण लगातार खराब हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। पानी और हवा लगातार खराब होती जा रही है। रोटी और रोजगार हमेशा रहेंगे, लेकिन प्रकृति खराब हो गई तो मनुष्य भी नहीं रहेगा। अगर हम पर्यावरण को अभी मुद्दा नहीं बनाते हैं तो काफी देर हो जाएगी। तो जाते जाते बस इतना कहूंगी कि धरती पर सांसें तभी सुरक्षित है जब तक पर्यावरण सुरक्षित है। आप सबको ईद की ढेरों बधाई। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।